करनाल के असंध में मध्य रात्रि एक विवादित जमीन को लेकर कुछ लोगों ने हथियारों के साथ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। मौके पर पहुंचे लोगों ने कई राउंड फायर भी किए। बाग की रखवाली कर रहे लोगों पर लाठी डंडों से हमला भी कर दिया। हमले में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। इस दौरान FSL की टीम को भी बुलाया गया और FSL टीम ने जांच की। अमरूद के बगीचे के मालिक तरसेम गोयल ने बताया कि करनाल मार्ग पर उनका अमरूद का बगीचा है। उनके कर्मचारी ने उनकी माता को गुमराह करके जमीन अपने नाम करवा ली। मामला अदालत में लंबित है, परंतु देर रात कुछ हथियारबंद लोग बाग में आए और वहां रखवाली कर रहे कर्मचारी पर धावा बोल दिया। कई राउंड फायर भी किए गए और मारपीट में 5 लोग पूरी तरह से घायल हो गए हैं। पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और FSL की टीम को भी बुलाया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जी, हम बाग के रखवाले बैठे हुए थे तो अपना एकदम में कोई पता नहीं लगा सर, एकदम गाड़ी आ गई, हमला हो गया। फायर वगैरह करने लग गए थे वो, पर हमारे को चोट वगैरह बहुत ज्यादा लगी थी, इसलिए हमारे फोन फान वगैरह भी सब खोज वगैरह, गोलियां पैसे पूसे भी जेब में थे हमारे, सबके पैसे भी निकाल के ले गए और अपना फोन वगैरह सबके ले गए। हमारे पास शेर सिंह एक मुनीम था जो 11-12 साल से था। उसने धोखे से जो है ना, हमारा ये बाग है 30-32 साल से हमारा है, उसने धोखे से रजिस्ट्री जो है ना हमारी मम्मी को, गलत, वो अनपढ़ है, गलत जो है ना अंगूठे लगवा लिए उन्होंने और उसके खिलाफ FIR हुई थी और वो 2 महीने जेल में रह के आया था। अब वो जेल से आने के बाद उसने जो है ना यहाँ बंदे भेज दिए, रात लगभग 30-35 बंदे थे और जो हमारे जो बंदे यहाँ 4-5 बंदे बैठे जो बाग की रखवाली के लिए, पेड़ पौधों की रखवाली के लिए बैठे थे, उनको गोलियां मार गए और गंडासी से और लाठों से उसको घायल कर, लगभग 30-35 फायर हुए। हमारे 5 आदमी JPS स्कूल के पास रोशन लाल का आधा किला, उसमें कुछ बंदे बैठे थे, बाहर के बंदे आ गए, उनको मारपीट करके इसकी छानबीन कर रहे हैं और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फोन तो पड़े नजर आए, रात को नजर आए नहीं थे, अब हैं। आज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।